शहर को बंद करने का हमने प्रण लिया है। चिमनिया जहां धुआं फेंकने वाली थी, आज वो जहर फेंकने का काम कर रही है। लेकिन जानबूझ के अपना पैसे बचाने के लिए भ्रष्टाचार के तहत इसको जानबूझ के काम कर रहे हैं। ये काम हम होने नहीं देंगे। जब तक इसको ये सही नहीं करते, हम चाहते हैं ये बंद होनी चाहिए। और जब ये सही हो जा, ये चालू हो, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे सहारनपुर जनपद में उद्योग लगें, कंपनी लगें, जो बच्चों को रोजगार भी मिले, नौकरियां भी मिले। अब जो प्रबंध कमेटी है वो इसमें लापरवाही करके, भ्रष्टाचार करके, अपने स्वार्थ के लिए जो पुराने ही उपकरण हैं उनको चलाने का काम कर रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीजीटी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद सहारनपुर के स्टार पेपर मिल रोड हिम्मतनगर में। मैं आपको पीछे की ये तस्वीरें दिखा सकता हूं, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक उपकरण लगा हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं। ये हवा में जितना भी जहर फैलता है फैक्ट्रियों द्वारा, उसको ये सीधा सीधा प्रमाण करती है कि आपके हेयर में, आपके आसपास के क्षेत्र में है, जिस तरह की आपकी हवा चल रही है, आप महसूस कर रहे हैं उस हवा में कितनी गंदगी है। सीधी बातचीत करेंगे राष्ट्रवादी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुज्जर से, क्या पूरा मामला है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका बीजीटी न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने आज ये जो खतरा पूरे जनपद सहारनपुर में मंडरा हुआ है, जो जहर फैल रहा है, उसको उठाने के लिए आप आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। ये चौधरी, काफ़ी समय से आपको हमने देखा है, देखते भी आ रहे हैं, आप लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर, जनहित में लगे मुद्दे को लेकर आप आवाज़ उठाते रहते हैं। ऐसा क्या मामला हुआ जो आपको अपनी छत पर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को लगवाना पड़ा? देखिए, अभी कोई एक महीने दो महीने से हो तो रही पहले से ही गड़बड़। जो हमारे जो स्टार पेपर मिल नागल टपरी रोड हिम्मतनगर में जो 1938 या 1940 में जो लगा था, लेकिन उसके उपकरण इतने कमज़ोर हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, और उनसे चिमनिया जहां धुआं फेंकने वाली थी, आज वो जहर फेंकने का काम कर रही है। हमारे पास यहाँ के क्षेत्र के लोग आए कि आप इसको क्यों नहीं उठाते मामले को, जो यहाँ एक जहर फैलता जा रहा है। और हमने यहाँ जो प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देकर हमने मांग की कि आप इसको तुरंत इस पर जांच करी जा, और उन्होंने एक्शन लेके और ये मशीन हमारे यहाँ लगाने का काम किया। और इस मशीन में जो हमारे पास जो जाँच आई है इनकी सरकारी रिपोर्ट, जो 100 होना चाहिए था सही, वो 3-4 गुना अधिक जहरीला पदार्थ इसमें आया है, जिसमें बच्चे बूढ़े तो बचने का सवाल ही नहीं, लेकिन नौजवानों को भी बीमारी से ग्रस्त होने का पूरा खतरा है। इसलिए हमने इसको आवाज़ उठाई है, और इस जहर को बंद करने का हमने प्रण लिया है कि अपने जनपद सहारनपुर में और हिम्मतनगर जो ये पेपर मिल है, जब तक इसको ये सही नहीं करते, हम चाहते हैं ये बंद होनी चाहिए। और जब ये सही हो जा, ये चालू हो, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे सहारनपुर जनपद में उद्योग लगें, कंपनी लगें, जो बच्चों को रोज़गार भी मिले, नौकरियां भी मिले। चौधरी साहब, जैसे आपने कहा कि हमारे जनपद सहारनपुर में फैक्ट्रियां लगें, अच्छी बात है, जिससे हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। अगर बात करें ये स्टार पेपर मिल बंद होती है, इन मुद्दों को लेकर पर्यावरण तो दूषित कर ही रही है, मैं आपकी बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ, मगर वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी जो परिवार है, कहीं हज़ार वर्कर जिसमें काम करते हैं, उनका परिवार भी चल रहा है, क्या उनको भी नुकसान होगा क्या? नहीं, हम ये नहीं चाहते कि यहाँ फैक्ट्री उपड़ के ये बाहर चली जा, चाहते हैं सहारनपुर में रहे, चले यहीं। लेकिन जो भ्रष्टाचार करके अपने बचाव के लिए, ना तो मशीन बदल रहे जो जर्जर हो चुकी मशीन, बिल्कुल, और ना जो मशीन सही चले तो इसमें गंद नहीं आने की, वो धुआं ऊपर निकल जाएगा। लेकिन जानबूझ के अपना पैसे बचाने के लिए भ्रष्टाचार के तहत इसको जानबूझ के काम कर रहे हैं, ये काम हम होने नहीं देंगे। तो इसमें कुछ क्या लगता है, वो जो प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी है, उनकी भी मिली भगत है कुछ? देखो, आज तक तो ऐसा लगता है, क्योंकि ये मुद्दा किसी ने उठाया ही नहीं इतने जानदार तरीके से, प्रदूषण अधिकारी और यहाँ के सारे अधिकारी, सबको पता है हमारे DM साहब हैं, अगर आप उनकी कोठी पर इसको मशीन को लगा दें और 24 घंटे में उनकी कोठी पर भी इसका रिजल्ट आ जाएगा कि कितनी हानिकारक ये है, तो उन्हें भी पता है इस बात का, लेकिन कहीं ना कहीं
अब सरकार का दबाव है, अधिकारियों का दबाव है, क्या दबाव है हम ये नहीं कह सकते, लेकिन दबाव है। लेकिन चौधरी साहब बात करें वर्तमान में योगी जी की सरकार है, बुलडोजर बड़ी तेजी से चलता है अगर कोई भी हो, अगर बात करें इसमें योगी जी तक आपने इस मामले को पहुँचाया? नहीं, हाँ अब हमने पहुँचा दिया, कल हमने सब जगह फैक्स कर दिया, योगी जी को भी प्रधानमंत्री को भी, हमने कोई ऐसा नहीं छोड़ा जहां फैक्स नहीं किया। अब तो ये सबकी जानकारी में पहुंच चुका है और अधिकारियों की मजबूरी है इसको सही कराना। तो जैसे चौधरी साहब ने बताया आपके पास कोई जांच भी है, हम आपको दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरीके चौधरी साहब ने जाँच अपने हाथ में ले रखी है। इसमें एक जाँच आप देख सकते हैं यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, आप देख सकते हैं सीधा सीधा जूम करके दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन, PM10 UG जो एक जाँच होती है जिसमें सीधा सीधा दिखाया कि जो 100 तक जाँच होती है बड़ी शुद्ध जाँच होती है, मगर उसको क्रॉस करने के बाद आप देख सकते हैं 314.15, मतलब यहाँ की हवा में, यहाँ की आप देख सकते हैं पूरा तरीके से जहर फैल चुका है जो आम आदमी के लिए जीने के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। आपको दिखाऊंगा ये तस्वीरें बिल्कुल पीछे देख सकते हैं, मात्र 500 मीटर की दूरी पर यह फैक्ट्री आप चिमनी देख सकते हो और ये उपकरण भी लगा हुआ है। चौधरी साहब थोड़ा सा उपकरण के बारे में बताइए किस तरह इसकी जाँच होती है थोड़ा सा आप हमें। ये है जी, यहाँ से खोल के या चौधरी साहब दिखा रहे हैं आपको, इसको खोल के इंस्ट्रूमेंट को दिखाया जाता है, ये वाइट पेपर होता है बिल्कुल, थोड़ा सा मैं आपको निखिल भाई दिखाऊंगा, आप जूम करके दिखाएंगे, ये वाइट पेपर होता है, सरकार ही अधिकारी जी इसका वजन करके उन्होंने लगाया था। अच्छा, ये कब लगाया था चौधरी साहब? ये 24 घंटे हो गए, 24 घंटे पूरे हो चुके हैं बिल्कुल। ये जो इसमें जो काला ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये क्या चीज़ है? यही जहर है, यही जहर है, यही जहर है। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा जो व्हाइट पेपर लगाया गया है उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का आप ये कार्बन देख रहे हैं, ये पोल्यूशन है जो लोगों के जीवन को तबाह कर रहा है यहाँ पर। तो चौधरी साहब जिस तरह पूरा ब्लैक पेपर हो चुका है इसकी अब जांच कब जाएगी? यहाँ से आज संडे होने के वजह से आज नहीं आए, कल अधिकारी आएंगे इसको निकाल लेंगे और इसका वजन करेंगे, वजन करके तब इसको फिर हटके इसकी जांच होगी, इसमें क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और ये कोई हमारा काम नहीं है, तो सरकारी अधिकारी है वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, अब सही काम कर रहे हैं जी बिल्कुल। कल हम मिले थे उनसे, उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है और ये गलत हो रहा है यहाँ और हम इसको सही करा के छोड़ देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टार पेपर मिल है करीब 1938 या 1940 में इसकी स्थापना की गई थी, बहुत अच्छी बात है, रोज़गार मिल रहा, काम मिल रहा, लेकिन अब जो प्रबंध कमेटी है वो इसमें लापरवाही करके भ्रष्टाचार करके अपने स्वार्थ के लिए जो पुराने ही उपकरण हैं उनको चलाने का काम कर रही है और जो चिमनिया धुआं फेंकती थी आज वो जहर फेंकने का काम कर रही है जो यहाँ के जनमानस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम लोगों ने अपने संगठन के द्वारा यहाँ जो प्रदूषण बोर्ड, जो पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड है उनको हमने ज्ञापन दिया और उनकी तरफ से तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने उपकरण लगाया, मशीन जो जांच करती है, हमारे निवास में मशीन लगाई और उसमें जांच आई है, ये मेरे जांच की मेरे पास कॉपी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आप जाँच भी देख सकते हैं, इसमें दिखाया साफ तौर से लिखा गया है जो उसकी जाँच है PM10 314.15, मतलब अगर बात करें 100 गुने से भी 3 गुना ऊपर है, मतलब आप देख सकते हैं प्रदूषण किस तरह से यहाँ पर हमारे जनपद सहारनपुर में बुरी तरह से फैल रहा है जी। सॉरी साहब, तो हम चाहते हैं या तो इसको सही करें, मशीनें सही लगें, अच्छी बात है रोज़गार मिल रहा है, पेपर मिल चलना चाहिए, हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन यहाँ अगर जनमानस ही नहीं बचेगा और ये हिम्मत नगर के केवल के लिए नहीं, ये पूरे शहर को ये खतरे में डालने का काम कर रहा है और हम ने इस जो हमारे पास जांच आई है हर जगह अधिकारियों को भेज दी, ऊपर सभी जगह भेज दिए और हमने जो यहाँ का पर्यावरण अधिकारी है जो कार्यालय है सभी को ये चेतावनी दी है, या तो इस पर कार्रवाई करें और जब तक ये सही ना हो इसको तुरंत बंद करें और सही होगा फिर चालू हो, या तो करें नहीं तो आंदोलन भी होगा और इस पर भूख हड़ताल करनी पड़े इसके गेट पर, तो भूख हड़ताल भी करेंगे, अधिकारी को घेरने का काम करेंगे, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। जैसे आपने देखा ये थे हमारे साथ में चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जो लगातार इस तरह के मुद्दे को उठाते रहते हैं, दिखाएंगे आपको पल पल की खबर जिस पर रहेगी आपकी नज़र। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी के साथ निखिल त्यागी, धन्यवाद।